कैसे हो? आज हम बनाने वाले हैं स्क्वायर शेप से आपके लिए डिजाइन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है 1, 2, 3 स्क्वायर शेप। अब हम इस शेप से बनाएंगे आर्ट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले स्क्वायर को बनाएंगे हम, ये शेप बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे क्या बनने वाला है। फिर एक यूं करेंगे ऐसा ही शेप छोटा सा, यहाँ पे बनाएंगे आईज। अब आप सही पहचान रहे हो, ये हम बना रहे हैं बर्ड्स। के पैर भी होते हैं तो हम बनाएंगे ये पैर। कितना आसान है ना बर्ड्स बनाना। अब बच्चों हम क्या बनाने वाले हैं, अब आप देखो मैजिक क्या होने वाला है। हम बनाएंगे ये पिजन, यहाँ पे टू आईज, थर्ड में क्या करने वाले हैं, थर्ड स्क्वायर में यहाँ पे ऐसा। हम थर्ड में क्या करने वाले हैं, थर्ड स्क्वायर में यहाँ पे अब हम बनाएंगे यहाँ पे पैर जैसा। यहाँ पे दूसरा छोटा सा सर्कल बनाया। अब हम बनाएंगे ओवल शेप, इधर भी ओवल शेप, बीच में आईज। आप सोच रहे होगी ये क्या बना रहे हैं, अभी आपको सब धीरे धीरे पता चल जाएगा। ये क्या हमने, अभी हमारे बन गए, ये हमने ड्राइंग पूरी कर ली। अब हम यूज़ करेंगे कलर। कौन कौन से कलर यूज़ करेंगे? ऑरेंज कलर, ब्लैक कलर और येलो कलर। लेट्स स्टार्ट। चलो हम इनको कलर करते हैं। सबसे पहले यूज़ करेंगे येलो कलर। येलो कलर से हम करेंगे कलर। हम कौन सा कलर यूज करेंगे? अब हम करेंगे ऑरेंज कलर का यूज। इसकी चोंच यानी कि इसकी बीक को हम करेंगे ऑरेंज कलर से। देखो बर्ड्स कितनी अच्छी लग रही है ऑरेंज कलर के साथ। ये हमने बर्ड्स को कलर किया। अब किसका नंबर है? अब हम यूज करेंगे ब्लैक कलर। और ये क्या है? ये है हमारा पेंगुइन। बस अगेन ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर से हम करेंगे इसकी चोंच को कलर। और
क्या बन गया, ये बन गया पेंगुइन। अब हम ब्लैक कलर को फिर यूज करेंगे। ये बन गया पांडा। हमने क्या बनाया, ये है बर्ड, ये है पेंगुइन और ये है पांडा। देखो बच्चों कितना अच्छा बनाया। बाय बाय।